सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए क्योंकि अगर हम उनको देख सकते हैं तो हम निश्चय ही उनको पूरा भी कर सकते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये तीन भेंट दिए हो, साथ समय और समर्पण। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। आज का पंचांग 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 8:52 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:08 से 3:44 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 12 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आप अभी खुद पर संदेह कर सकते हैं। अपने मन और दिल की जांच करें। घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें, भले ही यह आपकी योजनाओं को धीमा कर रही हो और उनमें बाधा पहुंचा रही हो। स्थिर प्रकृति सेटिंग में शांति की तलाश करें। आज आप अच्छे और बुरे दोनों अनुभव का आनंद लेंगे। आप असंभव को भी संभव करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किंतु इसके लिए उपयुक्त जोश और मनोभाव होना जरूरी है। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो न ही संघर्ष किया हो। आपको अपने कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा फायदा किया है। व्यस्तता के बावजूद घर परिवार तथा सगे संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से आपको आनंद प्राप्त होगा। एक दूसरे के प्रति बनी गलतफहमी दूर होने लगेगी। एक दूसरे के प्रति मन में जो कटुता निर्माण हुई थी उसे दूर करने की कोशिश भी आप खुद होकर करेंगे। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, इसीलिए महत्वपूर्ण काम को आज ही पूरा करने की कोशिश करनी होगी। नौकरी करने वालों को जिस समस्याओं से जूझना पड़ा था वह समस्या अपने आप सुलझने लगेगी। आपकी प्रगति की वजह से पार्टनर को भी खुशियां प्राप्त होगी। सावधानी, बिना मतलब की बदनामी या झूठा आरोप लगने की भी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि दुष्टों के मामलों में खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप सब कुछ भूलकर अपने साथी की बाहों में खो जाना चाहते हैं। यह समय किसी लॉन्ग ड्राइव या रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का है, जहां आप एक दूसरे को और भी अधिक जान पाएंगे। पिता की समस्याएं या माँ का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता हो सकते हैं। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। अपने मनमौजी रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। आज आपके मूड में भी बदलाव आएगा, इसलिए अपने प्रेम में जीवन का ध्यान रखें। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। आप अपने लक्ष्य और अधिकार के बारे में अच्छे से जानते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यह समय शांतिपूर्ण है और आज का दिन वाहन, इमारत या संपत्ति की खरीदारी के लिए अच्छा है। अपने कौशल को निखारें, इससे आपको उज्जवल भविष्य बनाने में मदद मिलेगी। आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेगी। यह चरण बेहतर प्रस्तावों और ग्राहकों को खोजने के लिए बेहतरीन है। नए अनुबंध आपके करियर में 4 चांद लगा सकते हैं और साथ ही कुशलता को भी बढ़ाएंगे। अपने दृढ़ जुनून को ऐसे ही बने रहने दें।
क्योंकि आपका यही जुनून आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अपना मनोबल और मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाए रखें और मेडिटेशन ध्यान पर भी समय दें। और मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ध्यान पर भी समय दें। गलत खान पान से बचें। आज का उपाय, आज आप केले के पौधे पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।